आज हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कि फायांस रूल्स कहा जाता है। देखिए, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री में मैं बहुत ही वीक हूं आप कह सकते हैं, लेकिन एक फिजिसिस्ट होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि ये रूल्स जो है ये आप आसान से आसान तरीके से समझ सके। तो ये जो रूल्स है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसमें कहां आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और कहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसे इंट्रोड्यूस किया था एक पोलिश साइंटिस्ट कासिमीर फायांस ने। देखिए, उन्होंने क्या कहा था और उनके दिए गए रूल्स क्या है, इन्हें समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड और एक आइडियल आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। हम बात कर रहे हैं आइडियल, सो आइडियल अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो तो ये कैसा बॉन्ड होना चाहिए। जब ये आइडियल बॉन्ड होगा, बिल्कुल आइडियल बॉन्ड, इसका मतलब ये होगा कि जो दो एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है वो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में। सो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों ने शेयर किया है। सो इक्वली दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इक्वली शेयर्ड होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था जब दो एटम्स एक बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेता है और इस प्रोसेस में इसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। किस केस में, जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच लेता है और थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर इसमें आ जाता है। लेकिन अगर आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड बने तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये एक आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब एक आइडियल आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा, सो एक आइडियल आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ये कैसा होना चाहिए। सो इस केस में क्या होगा, सपोज ये जो है ये कैटायन है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये जो है ये एनायन है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस केस में यहां से यहां पर हुआ, सो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे ट्रांसफर कर दिया, इसके कारण ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा कैटायन में और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा एनायन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहां से यहां, अगर ये आइडियल आयनिक बॉन्ड हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रहेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडियल आयनिक बॉन्ड होगा। यहां पर अगर आप देखें तो पिछले केस में इस आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, सो ये तब होगा कि आइडियल आयनिक बॉन्ड हो। लेकिन ऐसा आइडियल केसेस हमें नॉर्मली मिलते नहीं है। हमें कैसे केसेस मिलते हैं, इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल कंसीडर करना होगा और वहां जाके क्लियर होगा कैसे एक आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब देखें, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, दो एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करेंगे, वहां पर हम समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है। उसके बाद जाके आप अपने आप समझ जाएंगे कि फायांस रूल्स का मतलब क्या है और वो ऐसा क्यों है। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एल
आई थ्री एल्यूमिनियम आयोडाइड. दूसरा एग्जाम्पल ए एल एफ थ्री एल्यूमिनियम फ्लोराइड. दोनों ही केस में ये एल्यूमिनियम जो है तीन इलेक्ट्रॉन्स तीन आयोडीन एटम्स को ट्रांसफर कर रहा पहले केस में, और दूसरे केस में भी यही हो रहा, तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर कर रहा फ्लोरीन को, तीन फ्लोरीन एटम्स को. इन्हें ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. अब एल्यूमिनियम जो है ये आयोडीन से इसका जो साइज होगा ये काफी छोटा होगा. सो एल्यूमिनियम को मैं रिलेटिवली छोटा ड्रॉ कर रहा हूं और आयोडीन को मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं. ये आयोडीन का एक एटम, ये आयोडीन का दूसरा एटम और ये आयोडीन का तीसरा एटम. तीनों नेगेटिवली चार्ज्ड, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है और ये जो है एल्यूमिनियम इसमें प्लस थ्री चार्ज है. अब इसे एक बार ड्रॉ करते हैं AlF3 में रिलेटिवली एल्यूमिनियम का साइज जो है फ्लोरीन से बड़ा होगा. सो मैं इसे बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं. अब आप ये कंपेयर मत कीजिए कि पिछले केस में एल्यूमिनियम जो हमने इसे छोटा ड्रॉ किया अब उसी एल्यूमिनियम को बड़ा ड्रॉ कर रहा है, नहीं, रिलेटिवली देखे आप इसे अलग से देखे, इस फिगर को अलग से देखे, रिलेटिवली फ्लोरीन जो है एल्यूमिनियम से छोटा है. सो फ्लोरीन को हमने छोटा ड्रॉ किया. अब पिछले केस की तरह यहां भी नेगेटिव चार्जेस होंगे ऐसे, और यहां आयोडीन में, माफ कीजिएगा, एल्यूमिनियम में प्लस थ्री चार्ज होगा, -1 -1 -1 प्लस थ्री, यहां भी -1 -1 -1 और प्लस थ्री. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा देखें. अब ये जो कैटायन है इस कैटायन का टेंडेंसी क्या होगा, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये क्या कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और बगल वाले में जो नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास टेंडेंसी होगा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का. तो जब ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, चूंकि ध्यान दे ये आयोडीन बहुत बड़ा है, ये जो एटम है ये आयन है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन को, इसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अपने साथ बाउंड नहीं कर पा रहा है. तो कुछ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो एल्यूमिनियम की तरफ आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एल्यूमिनियम जो है ये अट्रैक्ट कर लेगा. इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन. तो इस केस में पोलराइजेशन होगा. यहां एस भी पा सकते हैं आप जेड के जगह, वो मैटर नहीं है. सो पोलराइजेशन होगा यहां पर, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं, चलिए पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये पॉजिटिव आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बगल वाले जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. देखिए अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता तो ये आइडियल आयनिक बॉन्ड होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है. कौन? पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये कोशिश कर रहा है, इसका टेंडेंसी है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा है वो कुछ पॉजिटिव आयन की तरफ भी आ जाए. मैं सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं, ये और ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था, लेकिन अब यह कोशिश कर रहा है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करे, शेयर जैसा सिचुएशन क्रिएट करे. ये भी कुछ हद तक उसे खींच लिया, मतलब ये कोशिश कर रहा आयोनिक से कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ इसे ले जाने का. सो इसका टेंडेंसी यही है. जो आइडियल आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए था, अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तभी आयोनिक बॉन्ड बनता, आइडियल आयोनिक बॉन्ड, लेकिन अब अगर खींच के वो बीच में ले आता है उसी इलेक्ट्रॉन को, कुछ हद तक अपने तरफ ले आता है, मतलब वो आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ता है. मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में आयनिक बॉन्ड जो है इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज ने जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करना था उसे अपने तरफ कुछ हद तक खींच के ले आया है. लेकिन अगर इस केस को आप देखें तो यहां ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिवली एल्यूमिनियम जो है ये काफी बड़ा है. रिलेटिवली बात कर रहे हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी है उससे ज्यादा, चूंकि फ्लोरीन छोटा है
तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसका न्यूक्लियस अपने साथ ज्यादा बांधे रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एल्यूमिनियम की तरफ जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है। तो इस केस में हम पाएंगे कि सिचुएशन वैसा ही है, एल्यूमिनियम ही है दोनों केस में, एक में बड़ा है एनायन और दूसरे में छोटा है एनायन। तो यहां पर हमें मोर ज्यादा हमें आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा, मोर आयोनिक कैरेक्टर। तो आप समझ गए क्या हो रहा है यहां पर, कि भले ही ये इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनना था, लेकिन इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। हमें यह देखना है कि वो सारे केसेस क्या क्या है जहां पर कि आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा, जैसे कि यहां पर ये शो कर रहा लेकिन यहां पर ये शो नहीं कर रहा है। तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज या सिचुएशन ऐसा होगा कि वो आयनिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्यादा शो करेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर लिख दूं कि पोलराइजेशन के कारण ऐसा होता है, पोलराइजेशन इन आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑब्वियसली पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन आयनिक बॉन्ड, दैट लीड्स टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं वो सिचुएशंस क्या क्या है जहां पर कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा। तो पहला मेरा आपसे सवाल है कि जो कैटायन है, ये जो कैटायन है, कैटायन अगर छोटा हो तो वो जो एनायन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ये कैटायन ये एनायन। या फिर कैटायन अगर बड़ा हो और वो एक एनायन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? कुछ देर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए, ये छोटा है, छोटा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, तो इसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो चूंकि ये छोटा है, न्यूक्लियस बहुत करीब है, इस रीजन से बहुत करीब है न्यूक्लियस, तो उसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा दिखेगा, तो वो पोलराइज ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। लेकिन यहां पर चूंकि ये बहुत बड़ा है कैटायन, तो ये न्यूक्लियस जो है इस रीजन से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये इसे पोलराइज नहीं कर पाएगा। मतलब ये बना पहला केस कि अगर कैटायन छोटा हो, कैटायन स्मॉल कैटायन एंड लार्ज चार्ज, एंड बहुत ज्यादा चार्ज हो, ऑब्वियसली यहां पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा ये पोलराइज करेगा। तो कैटायन अगर स्मॉल हो और स्मॉल कैटायन एंड वेरी हाई चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज हो, तो उस केस में आयन में बहुत ज्यादा चार्ज हो, कैटायन में बहुत ज्यादा चार्ज हो, तो इस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे स्थिति में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा। अब दूसरा केस एनायन के केस में देखते हैं कि मान ले कि ये एक कैटायन है, ये एक छोटे एनायन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये एक कैटायन है, ये एक बहुत बड़े एनायन के साथ बॉन्ड बना रहा है, किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? पोलराइजेशन मतलब कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, तो किस केस में ये ज्यादा खींच पाएगा? पहले वाले केस को अगर देखे कैटायन से रिलेटिवली एनायन बहुत छोटा है, तो कैटायन भले ही कोशिश करे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचने का, लेकिन एनायन चूंकि बहुत छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट होने नहीं देगा, देगा भी तो बहुत कम देगा। लेकिन दूसरे केस में अगर देखें, एनायन बहुत बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रोक नहीं पाएगा और ये कुछ हद तक कैटायन की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसमें कुछ सॉफ्टनेस जैसा है कि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका शेप बिगड़ सकता है,
क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है और इसका न्यूक्लियस उस क्लाउड को अपने साथ बांधे नहीं रख पा रहा है। तो इसका मतलब अगर एनायन का साइज रिलेटिवली बड़ा हो और चार्ज बहुत ज्यादा हो, सो लार्ज, रिलेटिवली लार्ज मैं लिख देता हूं, सो रिलेटिवली, यहां भी मुझे रिलेटिवली लिखना चाहिए था, सो रिलेटिवली लार्ज एनायन, लार्ज एनायन इस केस में भी जो है ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। सो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब तीसरा केस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा केस हम कंपेयर करेंगे, थर्ड केस में हम कंपेयर करेंगे किन्हें, डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट जिसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो एल्कली या एल्कलाइन, इस तरह के मटेरियल को हम कंपेयर करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब ये आयन बनता है आयन बनने के बाद जब ये पॉजिटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये जो है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। सो ये नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है। लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर भी दे तो भी ज्यादातर केसेस में इन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है, तो ये इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होता है, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, क्योंकि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ले, मतलब इसका जो वैलेंस शेल है ये इनकम्प्लीट रहता है, ये कंप्लीटली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले पाता है। मतलब क्या बना? मतलब कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी स्टेबिलिटी, रिलेटिवली, मैं फिर कह रहा हूं रिलेटिवली, इसके साथ कंपेयर करें तो रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होता है। सो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। जब ये मोर स्टेबल है, एल्कली या एल्कलाइन फॉर एग्जांपल, सोडियम फॉर एग्जांपल, कैल्शियम, सो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब ये ज्यादा स्टेबल होता है तो इसमें बगल वाले एनायन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने तरफ लाने का टेंडेंसी कम हो जाता है। ऑब्वियसली ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया ना, तो इसमें वो टेंडेंसी कम होता है, रिलेटिवली कम होता है, मैं फिर से कह रहा हूं रिलेटिवली कम होता है, सो वो टेंडेंसी रिलेटिवली कम होता है, तो इसीलिए यहां पर लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, पोलराइज करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करता है इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कैटायन छोटा हो और उसमें बहुत ज्यादा चार्ज हो, उस केस में जो आयनिक बॉन्ड है वो ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। अगर एनायन रिलेटिवली बहुत बड़ा हो तो उस केस में भी ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट और एल्कली एल्कलाइन एलिमेंट्स या मेटल्स को कंपेयर करें तो उस केस में आप ये पाएंगे कि इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये ज्यादा पोलराइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है उसे ज्यादा पोलराइज करेगा, या फिर कहें जो एनायन है उसके साथ सटा हुआ, उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज करेगा, इसीलिए इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और इसमें लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये थे तीन फायांसेस रूल्स।
अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे VSEPR थ्योरी। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।